हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो यूएलटी स्टूडियो। मेरा नाम है शोम्पू। आज मैं आपको एक फिटिंग शर्ट कटिंग करना बताऊंगा पूरी जानकारी के माध्यम से, एक एक पॉइंट के साथ। तो चलिए मैं किस प्रकार कटिंग करता हूं, तो उससे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है 26 इंच, शोल्डर है 17.5 इंच, स्लीव यानी बाजू है 20.25 इंच, चेस्ट है 34.5 इंच, कफ है 9 इंच, कलर है 15.5 इंच। सबसे पहले डाउन में सिलाई मार्जिन छोड़ के सीधा मार्किंग कर लेते हैं। तो उसके बाद लंबाई लेंगे, लंबाई है 26 इंच। तो डाउन में जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है वो ऊपर 26 इंच रखेंगे। तो इसका बॉडी यानी साथी है 36.5 इंच, इसको चार भाग कीजिए तो 9.1 सूद हो रहा है, लेकिन हम हाफ इंच कम करके 8.5 सूद पर मार्किंग करेंगे। और इसका पेट का मेजरमेंट करेंगे 15.5 इंच पर, शॉर्ट शर्ट है इसलिए 15.5 इंच पर करेंगे। और सेम मार्किंग दूसरी तरफ करेंगे। छब्बीस इंच, 8.5 सूट, 16.5 इंच। अब इन मार्किंग को सीधा कर लेते हैं। तो अब प्लेट पट्टी, बोतम पट्टी के लिए 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। सेम मार्किंग नीचे तक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस मेजरमेंट को समझिए। हम जो प्लेट में बोतम अटैच करते हैं और जो बोतम का काज करते हैं, इसके लिए 1.25 इंच छोड़ देते हैं। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो अब इन मार्किंग को हम सीधा कर देते हैं ऊपर से लेकर डाउन तक। दोस्तों पूरा वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, मैं बोल रहा हूँ। तो अब कलर का मेजरमेंट करेंगे। कलर है 15 इंच, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 3.1 सूद हो रहा है, लेकिन हम कम करके 2.5 इंच पर लेंगे। और डाउन में 2.5 इंच लेंगे, थोड़ा कम ही लेंगे, छोटा हो जाता है बाद में छाटेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप शोल्डर डाउन करेंगे तो शोल्डर डाउन करेंगे 2.25 इंच पर। तो दोस्तों शोल्डर डाउन करने का भी एक फॉर्मूला होता है। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कौन सी शर्ट में कितना शोल्डर डाउन करे, तो सब कुछ मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। आप शर्ट का जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट लो उसके 8/8 भाग लेना है, ठीक है ना। इस शर्ट में मैंने 1 पॉइंट ज़्यादा लिया, इसका शोल्डर थोड़ा डाउन है, तो आप शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। दोस्तों इसका शोल्डर है 17.5 इंच, इसका आधा गिरेंगे 9.5 इंच और सिलाई मार्जिन लेंगे 1/2 इंच। तो मार्किंग को सीधा कर देते हैं। और आर्मोल की तरफ भी सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1.25 इंच अंदर की तरफ और एक मार्किंग करेंगे, ये आर्मोल की शेप देने के लिए। तो दोस्तों आप लूज का मेजरमेंट करेंगे तो बॉडी से किस प्रकार मैं लूज का मेजरमेंट करता हूँ, तो बिल्कुल मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। मुझे लगता है इससे कोई आसान तरीका नहीं है, सबसे आसान तरीका यही है। तो दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ तो सारी मैं बोल के क्लियर कर दूँगा, किस प्रकार मैं लूज लेता हूँ, कितना सिलाई मार्जिन लेना चाहिए, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। थोड़ा वेट कीजिए।
तो देखिए चेस्ट यानी छाती है 36.5 इंच, इसमें हम 4 इंच लूज ऐड करेंगे और 2 इंच चारों पल्ला में हाफ इंच करके 2 इंच ले मर्जिन जाएगा, तो टोटल 42.5 इंच, इसको हम 4 भाग करेंगे, 10.5 सूद होगा, ठीक है ना। चेस्ट यानी छाती का आप ब्लूज का मेजरमेंट करेंगे तो कौन मार्किन से, सेकेंड वाला मार्किन से जो हमने ऊपर से डाउन तक लंबाई मार्किन किया था उस मार्किन से, तो आप 10.5 सूद लेंगे। तो दोस्तों ये मीडियम फिटिंग शर्ट है इसलिए मैंने 4 इंच लूज दिया, अगर आप फिटिंग शर्ट बना रहे हो तो आप 3 इंच लूज दे सकते हो। तो आप पेट का मेजरमेंट करेंगे तो पेट का मेजरमेंट सेम सिस्टम में ही करेंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ तो सारी क्लियर कर दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपके तक पहुँच जाए। तो पेट है इसका 34 इंच, इसमें हम 4 इंच लूज ऐड करेंगे और 2 इंच ले मार्जिन चारों पल्ला में, ठीक है ना। टोटल 44 इंच, इसको हम 4 भाग करेंगे तो 10 इंच आएगा, तो आप 10 इंच लेंगे। अब जो चेस्ट का मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट डाउन में करेंगे, जो हिप का मेजरमेंट होता है तो इतना खास नहीं है मेजरमेंट में, तो 2 सूद कम कर देंगे इस पकड़ से, तो आप शेप कर लेते हैं। तो अब आर्मूल का शेप करेंगे, तो देखिए इस पकड़ से गुलाई करेंगे। तो आप डाउन में स्लिम मार्जिन लेंगे तो आप 1 इंच से 1.5 इंच ले सकते हो, मैं 1.5 इंच ले रहा हूँ, और शर्ट की तरफ से मैं 0.5 इंच ले रहा हूँ शेप देने के लिए। तो आप चाइनीज़ का शेप करेंगे इस प्रकार से, आप अपने हिसाब से शेप कीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों जो मैं नंबर लिख रहा हूँ तो ये नंबर लेके आप कन्फ्यूजन मत होना, ये कस्टमर का सीरियल नंबर है। तो आप फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं, तो दोस्तों अब बैक पार्ट कटेंगे, तो मैं किस प्रकार से बैक पार्ट कटिंग करता हूँ, किस प्रकार से मेजरमेंट करता हूँ तो आप देखिए। तो चेस्ट यानी छाती का हमने जो मेजरमेंट लिया था वही मेजरमेंट लेके बैक पार्ट को बैठा लेंगे। तो छाती यानी चेस्ट का चौथा भाग जो आया था टोटल मेजरमेंट 10.5 सूद, तो वो वही मेजरमेंट लेंगे डाउन में भी और ऊपर में भी लेंगे, और नीचे से जो हमने 2 सूत कम कर दिया था पहले से हम 2 सूत कम कर देते हैं। तो अब इस मार्किन के ऊपर फ्रंट पार्ट को बैठा लेंगे इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ मेजरमेंट आ जाएगा। तो आगे देखिए बैक पार्ट को हम किस प्रकार से शॉर्ट रखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। जो शोल्डर का मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को पहले सीधा कर लेते हैं, तो उस मेजरमेंट से हम 1.5 इंच कम कर देंगे बैक पार्ट को, ठीक है। इस मार्किंग को आप सीधा कर लेते हैं। तो आप शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे तो शोल्डर है 17.5 इंच, इसका आधा है 0.9 इंच, तो 0.9 इंच लेंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट में मैं शोल्डर के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेता हूँ, वही मार्जिन मैं तीरा में सब कुछ सेट कर लेता हूँ, तो आगे जाके दिखाऊंगा मैं किस प्रकार से सेटिंग करता हूँ। तो इस प्रकार से कटिंग करने से आर्मोल का शेप बहुत अच्छा आता है, फिटिंग्स भी बहुत अच्छा आता है, तो आगे जाके दिखाऊंगा। तो अब बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं, तो कटिंग करने के वक्त इस तरफ जो
आर्मूल की तरफ आपको एक से दो सूट डाउन करके कटना है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को मिनिमम हाफ इंच छोटा कर देंगे। तो दोस्तों अब स्लीव यानी बाजू काटेंगे, तो चलिए मैं किस प्रकार कटिंग करता हूँ देखते हैं। तो दोनों बाजू एक साथ काटेंगे, तो कपड़े को इस प्रकार से आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद एल स्केल से बाजू को सीधा कर लेंगे। तो इस तरफ 4 इंच लेंगे शेप देने के लिए, और बाजू की लंबाई लेंगे आप, लंबाई है 2.5 इंच। उससे हम 1 इंच कम करके लेंगे, 19.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आप 2.5 इंच 2.5 इंच से एक सूत कम आप कब लगा सकते हो इस मेजरमेंट से। तो कब है 9 इंच, इसका आधा करेंगे 4.5 इंच और 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। और इस तरफ 2.5 इंच लेंगे शेप देने के लिए, और बॉडी है 36.5 इंच, इसको चौथा भाग कीजिए 9.1 सूट, तो 9.1 सूट लेंगे। सिलाई मार्जिन लेंगे 1/2 इंच। तो अब इस प्रकार से आर्मूल की शेप कर देंगे। आप शेप कुट्टी की मदद से बाजू को शेप कर देते हैं। आप कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए बाजू को थोड़ा शेप कर देंगे इस प्रकार से, देखिए। तो आप चाकपोटी किस प्रकार से कटिंग करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले आपको इस तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ के मिडिल सेंटर कर लेना है। अब जो मिडिल सेंटर का मार्किंग आया है वह से हम 5 इंच लेंगे चाकपोटी के लिए। तो आगे देखिए मैं तिरा का मेजरमेंट किस प्रकार करता हूँ, किस प्रकार कटिंग करता हूँ, तो चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं। उस मार्किंग से बस 2 सूत ऊपर हो जाए और एक शेप करेंगे। तो शोल्डर है 17.5 इंच, इसका आधा कीजिए 9.5 इंच, तो 9.5 इंच लेंगे। और आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर में और एक मार्किंग करूँगा 9.5 इंच पर। इस मार्किंग को आप सीधा कर लेते हैं। तो इस तरफ लेंगे 4 इंच। तो आप शेप पट्टी की मदद से थोड़ा एंगल करके लेंगे। तो शोल्डर के लिए हमको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए था, तो देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन भी आ गया और अच्छा शेप भी आ गया। इस प्रकार से आर्मूल का शेप बहुत अच्छा आता है। तो इस तरफ 6 इंच लेंगे और कॉलर डाउन करेंगे 2 इंच पर। फ्रंट पार्ट में हमने कलर लिया था 3.5 इंच, लेकिन तिरा में 1/2 इंच बढ़ाकर 3 इंच पर लेंगे।
तो मार्किंग को आप सीधा कर लेते हैं। तो अब इस प्रकार से हम राउंड कर देंगे तिरा को। तो दोस्तों अब कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कटिंग अभी तक पूरी नहीं हुआ है, इसके बाद हम आपको शोल्डर और तिरा का मेजरमेंट करके दिखाएंगे। तो आगे देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और नई नई जानकारी नई नई ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपके तक पहुंच जाए। तो मैं आपको शोल्डर का मेजरमेंट करके दिखा रहा हूं। तो देखिए पहले ही आपको सेट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा तिरा है वो आर्मोल की तरफ और कॉलर की तरफ बिल्कुल सेम टू सेम मेजरमेंट आया है, ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको काट लेना है। तो इस प्रकार कटिंग करने से कोई ऑल्टर नहीं आएगा, कस्टमर का कोई कंप्लेन नहीं आएगा, तो बॉडी में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहे, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।